विदिशा जिले के पठारी में लॉकडाउन के दौरान रविवार को बाजार में सभी प्रतिष्ठान बंद रहे, तो वहीं लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही के लिए तहसीलदार रमेश मेहरा, थाना प्रभारी दीपक राठौड़, ग्राम पंचायत सचिव गोविंद सिंह राजपूत के साथ अधिकारियों ने नगर का लगातार दौरा किया। मुख्य बाजार में दिन भर सन्नाटा छाया रहा। इक्का दुक्का दुकानदारों पर चालानी कार्यवाही भी की गई। वहीं बेवजह घूम रहे नागरिकों को समझाइश दी और चालान भी काटे गए। प्रशासनिक अधिकारी एवं पुलिस प्रशासन बार बार शहर में गश्त करके लॉकडाउन का जायजा ले रहे हैं और रोको टोको अभियान बराबर चल रहा है। बाजार में निकल रहे लोगों को रोककर उनके लिए निकलने वाला सबब भी अधिकारी जान रहे हैं। सब्जी और फल फ्रूट के ठेले भी नदारद हैं, जबकि उन्हें लॉकडाउन से छूट दी गई है। पूरे शहर में अस्पताल शासकीय और प्राइवेट और मेडिकल स्टोर ही खुले नजर आ रहे हैं। विदिशा पटारी से आशीष सहले की रिपोर्ट। जैसा कि श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई, मैंने और तहसीलदार साहब ने मिलकर गाइडलाइंस का पालन करवाया और हमें जनता का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। आज पठारी में कंप्लीट लॉकडाउन है, केवल जो आवश्यक वस्तुएं जैसे मेडिकल है, अस्पताल हैं, दूध की दुकानें हैं, सब्जी की दुकानें हैं, तो उन पर हमने अंकुश नहीं लगाया था। वो दुकानें खुली रही क्योंकि ये इंसान की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता पड़ती है। और मैं और तहसीलदार साहब दोनों मिलकर हमने अभी भ्रमण भी किया, तो पठारी में पूरी तरह से लॉकडाउन में कुछ एक लोग जो उल्लंघन कर रहे थे, अनावश्यक तरीके से बाहर घूम रहे थे, एक दो लोग बिना मास्क के, तो उनके खिलाफ हमने चालानी कार्रवाई करके। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।